अलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ जल्दी उठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं फ्रोज़र में, बारिश वाला मौसम है। हमने लेकर जानी थी मिठाई, आपी के घर बेबी पैदा हुआ इसलिए आपी ने कहा मिठाई लेकर जानी है, वहाँ सबको मिठाई देनी है। हम मिठाई लेने चले गए गौर में, और वहाँ गौर में इतना रश लगा हुआ है, तो बार इतना ज़्यादा लाइन्स लगी हुई हैं, रोज़ भी लाइन में लगे हैं, मैं कब से अब आने वाली है। मिठाई लेकर घर आए तो मम्मा ने बोला मेहंदी लगवाओ हाथ पे, हाथ काली अच्छे नहीं लग रहे हैं, काफ़ी देर बाद जाना है नानों के घर तो मेहंदी लगवाओ, इसलिए नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे, मेहंदी लगवाई। सारे गाड़ी का इंतज़ार करते हुए बैठे हुए हैं, कोई इधर उधर फिर रहे हैं, कोई तैयार हो रहा है, गाड़ी वाला लेट हो गया है और हम अब हो गए लेट। हमने निकलना था 3:30 और अब हम हो गए लेट, अब हम दिन दिन में जाएंगे। मेरे बैग में रखते जो सामान रखते जो ना, मेकअप। ये हम सब ने मेहंदी लगाई है आज नानी के घर जाने की तैयारियाँ। चलो हमने तो लगवाई है, हम अपने हस्बैंड के साथ जा रही, तुम लोगों ने क्यों लगवाई है? अपने बैग लेके निकल रही हैं, इनके सबसे ज़्यादा इनका सामान है ये ईमान। गाड़ी वाला भी आया नहीं, अपने सामान लेकर बाहर पहुँचना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और फ्रोज गेम क्यों खेल रहे हैं, और गाड़ी वाला सो गया था, बहुत मुश्किलों से उसको उठाया, भाई उठ जाओ हमने जाना है। ईमान को रात को ऐनक लगा ली। हिमलाइका का सामान देखें, इसकी एक्टिंग देखें, वो कही मेरी इसमें पर्सनल चीज़ें हैं, और ये इसमें मेरे खाने का, ये पब्लिक का, ये मेरा मिसेज का, थोड़ा ज़ोर से बोले, ये सब गाड़ी में बैठ गए हुए हैं और हम सब घर से निकलने लगे हैं नानी के घर। सब आयतल कुर्सी पढ़ लें और सब दुआ पढ़ लें सफर की। रोज भूख मारे तेरे, कैसे भूख मार रहा हूँ। पानी में बर्फ़ जमी हुई है, वाह जी वाह। फिर जल्दी से जूस खोल के दिया आपने मुझे, फिर उनके स्नैक्स खुल गए, हर चीज़ें नहीं फेंकते। ये देखें कि काम देखें, ये लोग तो गार्बेज करते हैं, पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तानी वहाँ तो सही नहीं हो सकती, इसीलिए तो ये मुल्क साफ नहीं। ये सब अंदर से लेने के लिए उतर गए हैं, ये है अंदर से। रोज चेक करते हुए कि सही है कि नहीं सही है, क्या ये मौसम कितना प्यारा हो गया। सुबह 5 बज रहे हैं सुबह के, बहुत प्यारा मौसम। अभी शॉप पे खाए पिए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते ना, कोक के बगैर। जो पहले अंदर से बने हुए थे वो अच्छे नहीं लगे हमें, और फिर हमने ताज़ा अंदर से बनवाए, उससे बिल्कुल सामने खड़े हो गए उससे, और फिर उसने हमें न्यू बना कर दिए अंदर से। दिन निकले और ये सब अपने फ़ोटो शूट करें, यहाँ पे हमने स्टे किया है और बाकी अंदर से बनवा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर खड़े हुए वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। ये सब कोक पीते हुए कोक लवर्स, मलाइका तो बिल्कुल होश नहीं है मोबाइल के चक्कर में, बस अब नानी के घर का रास्ता मोड़ रहे हम लोग। चली जाऊंगी तुम्हें।
हमने कहा हम बाहर से ढाबे से नाश्ता करेंगे। गाड़ी का शीशा टूट गया, भाई ने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि शीशा टूट गया गाड़ी का। नानी के घर पहुंच गए हैं फाइनली, वेट इज ओवर। ये मामू के चलो अभी अब आ गया हमारा घर आ गया है। चलो जी, रोज तो बहुत जल्दी उतरने। नानी के घर पहुंच गए हैं और तुम लोग बड़ी हो जाएगी ये तो जी। और क्या तो अगर ये याद ही ना हो मुझे। हम सब नाश्ता करने लगे हैं, ये है पाए और ये क्या चने कोफ्ता अंडा वगैरह, ये सैलेड वगैरह, ये नान, ये गांव का देसी नाश्ता। सब गॉसिप करते हुए नाना पूछे और सब एक दूसरे। फिर हमने चाय पी खालिस दूध की, गांव की चाय सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। अब फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके बाय बाय, सेकंड पार्ट भी आएगा गाँव का। अल्लाह हाफिज़।